हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ एनके में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 दिसंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चन। ये करेंट अफेयर्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसका रिविज़न ज़रूर करें। दोस्तों, मेरा मकसद इस वीडियो बनाने के पीछे ये है कि आप सभी को करेंट अफेयर्स की नॉलेज टाइम टू टाइम होती रहे, ताकि आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़े एग्जाम में। चल दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों, वो होगा ए, 1 दिसंबर। वर्ष 1988 से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो HIV संक्रमण के प्रसार के कारण होने वाली एड्स महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से मरने वालों के शोक मनाने के लिए भी समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में द इमिसरी ऑफ द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर जो है दोस्तों, वो है सी, श्री श्री रविशंकर। यह दोस्तों भारतीय आध्यात्मिक नेता और वैश्विक मानवतावादी श्री श्री रविशंकर को US सिटी ऑफ मेमफिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिस्ट्री पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्नविल महोत्सव हाल में किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हॉर्नविल महोत्सव जो जिस राज्य में शुरू हुआ है दोस्तों, वो है नागालैंड। कहा जाता है कि नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का बहुप्रतीक्षित 23वां संस्करण 1 दिसंबर 2022 से नागा हेरिटेज विलेज किशामा में शुरू होगा। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, BSF स्थापना दिवस परेड 2022 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? इसका सही उत्तर जो है दोस्तों, वो होगा पंजाब। सीमा सुरक्षा बल की 98वीं स्थापना दिवस परेड 4 दिसंबर 2022 को गुरु नानक यूनिवर्सिटी कैंपस अमृतसर में होगी। यह पहली बार है कि BSF के स्थापना दिवस परेड पंजाब में और दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर MTR क्या है? इसका सही उत्तर जो है दोस्तों, वो है ए, 97। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर 2014-16 में 130 प्रति लाख जीवित बच्चे से घटके 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित बच्चे हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नई चेतना अभियान जो है, वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आपको बता दें कि नई चेतना अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह सभी राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया एक अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवहन के किस साधन के लिए DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब जो है, वो है हवाई यात्रा। नागरिक उद्यान मंत्री ज्योतिराज एम सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली में DG यात्रा का उद्घाटन किया। यह सुविधा बेंगलुरु, वाराणसी और दिल्ली सहित देश के 3 हवाई अड्डों पर शुरू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस राज्य ने अपने जीएसडीपी को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन परामर्शदाता मैक्सकिन को काम पर रखा है? उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अगले 5 वर्षों में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पादन को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए एक वैश्विक प्रबंधन सलाहकार मैकिन्से को काम पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो है जापान। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने घोषणा किया कि उसने अपने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जिसे नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान पर पेलोड में से एक के रूप में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये इसका उत्तर होगा नागालैंड। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्यौहार का त्यौहार भी कहा जाता है, नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने की और नागालैंड में उसी दिन 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 में भी शुरू किया गया। तो दोस्तों ये था आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी अपकमिंग वीडियो है वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ।